हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज प्रॉफिट प्राइडर। भाई साहब, मैंने ऑलरेडी कई सारी ऐसी वीडियोस अपलोड करके रखी हुई है जहां पर मैंने लाइव विड्रॉल आप लोगों को करके दिखाया हुआ है। बट इन दिस वीडियो वी आर अबाउट टू मेक अ वेरी गुड पॉइंट कि हम यहां पे बहुत बड़ा विड्रॉल लेने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि अभी तक मैंने इतना बड़ा विड्रॉल नहीं लगाया फिलहाल के लिए। आप लोग जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम फिलहाल के लिए कोटेक्स पर लाइव हैं। अभी के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप मेरा देख सकते हैं ऑन है फिलहाल के लिए, और ये मेरा है लाइव बैलेंस जिसमें कि $10,121.56 का बैलेंस है। और फिलहाल इस वीडियो में लाइव आप लोगों के सामने $10,000 का यहां पर रिक्वेस्ट लगाने वाला हूं। एंड हां, मुझे रिसीव होता है कि नहीं वो सब भी दिखा दूंगा क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये विड्रॉल देते हैं कि नहीं ब्रोकर वगैरह। तो फिलहाल देख सकते हो आप अपने हिसाब से, मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर रखने वाला हूं। और सबसे पहले विड्रॉल लगाने से पहले एक चीज यहां पर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं अपने रीसेंट के ट्रांजैक्शंस में जाता हूं और आप लोगों को मैं अपने पुराने विड्रॉल दिखाने की कोशिश करूं, तो गाइस एक बार अपनी स्क्रीन पर फोकस करने की कोशिश कीजिए कि मैंने जो है एक जो अपना आखिरी विड्रॉल लिया था वो लिया था 7 तारीख को। आज है लमसम, क्या हम बोल सकते हैं, आज है 26 तारीख, यानी कि लमसम मेरा 15 से 20 दिन हो चुका है यहां पर और मैंने अभी तक एक भी विड्रॉल नहीं लगाए हैं। उसके पीछे एक रीजन बहुत बड़ा यही था कि मैं एक बहुत बड़ा विड्रॉल लगाना चाह रहा था, इसी वजह से मुझे वहां पर वेट करना पड़ा। एंड फाइनली जैसा कि मेरा टारगेट था कि $10,000 का बैलेंस अचीव करके मैं सारा का सारा विड्रॉल लगाऊंगा और ताकि आप लोगों के सामने मैं प्रूफ भी कर सकूं, तो मेरा यहां पर टारगेट हिट हो चुका है और मैं यहां पर विड्रॉल बिल्कुल लगाऊंगा। बट उसके पहले एक बार मेरे रीसेंट के आप लोग कुछ देख सकते हो, उसके पहले $3,000 का मैंने यहां पर डिपॉजिट किया हुआ था। उसके पहले मेरे कुछ यहां पर विड्रॉल्स हैं 800, 800, 600, $500, $500, $1,000, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे विड्रॉल्स हैं। फिलहाल के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने विड्रॉल के सेक्शन में जाता हूं और यहां पर जो भी मेरा लेटेस्ट का रिक्वेस्ट है वो मैं यहां पर लगाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं यहां पर $10,000 की जगह एक रैंडम नंबर चूज करने का मैं ज्यादा प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं सपोज दैट मैं $10,001 का मैं यहां पर आप लोगों के सामने लगाने जा रहा हूं। सॉरी, मुझे यहां पर एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। अरे इनकी मां का भोलापन, रिकॉर्डिंग नहीं चालू, कैंसिल कर जल्दी विड्रॉल। हमारे साथ में यहां पर एक छोटा सा मजाक हो गया था, हमारी यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद थी और मैंने वीडियो शूट किया और विड्रॉल रिक्वेस्ट भी लगा दिया और उसके बाद तो हमारा यहां पर क्लिप शूट ही नहीं हुआ था, तो यहां पर विड्रॉल रिक्वेस्ट मैंने कैंसिल कर दिया था। अब यहां पर एक बार दोबारा फिर से आप सभी लोगों के सामने दोबारा से विड्रॉल लगाता हूं। गाइज यहां पर देख सकते हो मैं विड्रॉल सेक्शन में जाता हूं और विड्रॉल सेक्शन में ऑप्शन सेलेक्ट करके विड्रॉल सेक्शन में मैं $10,001 का जो है अमाउंट यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। और उसके अलावा दिखा दूं, ये देख सकते हो मेरा जो लेटेस्ट का ट्रांजैक्शन है जो कि कैंसिल मैंने कर दिया था, वो इसी वजह से क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद था वहां पर। और मैंने यहां पर फिलहाल सही से चालू कर लिया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को और यहां पर मैं अपना वॉलेट का एड्रेस डालता हूं, यानी TRC20 का जो भी मेरा एड्रेस है। नेटवर्क हमारा रहने वाला है TRC20, जैसा कि आप लोगों को बताया। मैं यही प्रीफर करता हूं कि आप सब लोग जो है डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए परफेक्ट मनी या तो फिर बाइनेंस का ही यूज करो, ठीक है, या फिर कोई भी क्रिप्टो मेथड का यूज कर सकते हो। हम यहां पर कंफर्म के ऊपर में क्लिक करते हैं और यहां पर हमसे OTP पूछी जा रही है, जो कि हम यहां पर OTP जैसे ही मेल पर रिसीव करते हैं हम यहां पर डाल देंगे। तो मुझे OTP फिलहाल रिसीव हो चुकी है एंड इस वीडियो में मैं कोई भी कट नहीं लगाने वाला हूं, जेन्यून यहां पर पूरा आप सभी लोगों के सामने यहां पर रिक्वेस्ट लगाने वाला हूं, जो कि मैंने OTP एंटर कर दिया है। कंफर्म पे क्लिक करता हूं एंड डेफिनेटली देख सकते हो योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंट, यहां पर हमारा रिक्वेस्ट लग चुका है विड्रॉल के लिए। अगर एक बार रिफ्रेश करूं और चार्ट पर जाता हूं तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो हमारे पास में $120 का बैलेंस बचा हुआ है क्योंकि हमारे पास में $10,121 का बैलेंस था। तो यहां पर एक बार फिर से ट्रांजैक्शंस में जाकर के आप सभी लोगों को दिखा देता हूं कि हमारे पास में यहां पर लेटेस्ट का जो विड्रॉल है $10,001 का, वो अभी प्रोसेसिंग में है। जैसे ही प्रोसेस होता है और मुझे रिसीव होता है, इसके आगे उस रिसीविंग वीडियो का क्लिप जो है प्रूफ के साथ में अटैच कर दिया जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें सक्सेसफुली यहां पर विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है सक्सेस कर दिया गया है, रिसीव हो चुका है। यहां पर देखो कोटेक्स की तरफ से मेरे पास में मेल आया था आज और यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो रिक्वेस्ट नंबर है 40717070147 ये सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। और मैं कोटेक्स में भी एक बार आप सभी लोगों को दिखा देता हूं कि यहां पर जो मेरा रिक्वेस्ट नंबर है, देखो दो यहां पर ट्रांजेक्शन है $10,001 की, पहला वाला तो कैंसिल कर दिया था क्योंकि हमने वहां पर जो है क्या बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी चालू नहीं थी, वो कैंसिल हो गया था। रिक्वेस्ट नंबर जो आखिरी का है ये देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर 407170 वाला, ये सक्सेसफुली यहां पर हो चुका है और इसमें सक्सेसेड भी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये बैलेंस मुझे रिसीव हुआ है कि नहीं, एक बार मैं आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट में भी यहां पर चेक करा दूं। हां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो है यहां क्रिप्टो करेंसी यूज करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट और बाइनेंस दोनों का ही यूज करता हूं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं हमको अमाउंट
मैं रिफ्रेश करके बार बार आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, रिफ्रेश कर करके कि $10,001 का बैलेंस मुझे सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। और टाइम देख सकते हो 6:48 का इसमें टाइम लिखा हुआ है, मैंने कल लमसम जो है 9-10 के करीब में लगाया था, यानी मान सकते हो 20-22 में मुझे विड्रॉल यहाँ पर सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, जो कि इतना बड़ा अमाउंट था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हो, वही कहते हैं कि जब आपके पास में नॉलेज होता है तो आपको विड्रॉल लेने की समस्या नहीं है। आप में से कई लोग विड्रॉल का छोड़ो, आप लोग इनकम ही नहीं कर पाते हो, इनकम करोगे तभी तो जाकर के विड्रॉल करोगे, राइट? जाहिर सी बात है, सेम एज इट इज देख सकते हो, हमने कल यहाँ पर जो भी किया था उसके साथ ही साथ हमारे पास में जो भी बैलेंस बचा था उसके ऊपर मैंने सही तरीके से रिस्क लिया और कंपाउंडिंग करके कह सकते हो मैंने कंपाउंडिंग किया और रिस्क पर जो प्रॉफिट होता उसके ऊपर रिस्क ले लेकर के आज मेरा बैलेंस देख सकते हो ओवरऑल अगर आप लोगों को दिखाना चाहूं 4562। वंस अगेन मैं 4000 प्लस में जा चुका हूं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सालों की मेहनत से। यहां पर जब आप मेहनत करते हो डेडिकेशन के साथ में तब इस तरीके की वैल्यू आपको मिलती है। मैंने आप लोगों के साथ में कल ही लगाया था और मैंने अभी कोई डिपॉजिट भी नहीं किया है, देख सकते हो मेरा रिसेंट का ट्रांजेक्शन वही है जो कि आप लोगों के सामने मैंने विड्रॉल लगाया था, उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट था उसी से हमने ट्रेड लेकर के इतना अमाउंट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप भी ट्रेड करना सीखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। देखो ये इतने बड़े बड़े अमाउंट दिखा करके यहाँ पर भौकाल टाइट करना नहीं है, बट ये एक मोटिवेशन के लिए आप समझ सकते हो या फिर एक इस तरीके से समझ सकते हो कि हाँ जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। एंड कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ऐसे कैसे ट्रेडिंग करें, हम कैसे यहाँ पर जो है अच्छा खासा अमाउंट अचीव कर सकते। देखो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बाइनरी ट्रेडिंग का फ्री कोर्स लॉन्च किया था, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो उस कोर्स को जाओ यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट चेक करो, जाकर के पूरा कोर्स दे दिया है। उसके अलावा गाइज कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं है कि जब मैं बड़ा बड़ा विड्रॉल लूँ तो मुझे समस्या देखने को मिले, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डेडिकेटेड बना के रखा हुआ था कि ऐसी क्या गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से जब आप विड्रॉल लेने जाते हैं तो वहां पर कोटेक्स या फिर किसी भी ब्रोकर की तरफ से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जरूर चेकआउट कर लेना क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो और जब आप विड्रॉल करते हो और आपका अकाउंट अंडर रिव्यू जाता है, वहां पर चेक किया जाता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, कोई बग तो नहीं यूज किया है आपने, ऐसी चीजें चेक होती है। अगर कोई गलती पाई है तो आपके विड्रॉल्स में इशू आ जाता है, ठीक है? वैसी गलतियां ना हो इस वजह से ऑलरेडी जो वीडियो डेडिकेटेड है उसको देखिए जा करके, उन अकाउंट बैनिंग के इश्यूज से बचें। एंड डेफिनेटली नीचे कमेंट करना कि आज का वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव था कि नहीं। एंड हाँ डेफिनेटली अगर कोई अभी भी समस्या हो तो मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा सारा व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर सारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डेफिनेटली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल 2, ठीक है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और मैं फ्री सिग्नल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। Then goodbye, see you soon.